अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे किया जाए बहुत शॉर्ट में अभी वो तरीका आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये निश्चित कीजिए कि आप साकार रूप के पुजारी हैं निराकार, आप डिसाइड कीजिए। साकार रूप के पूजा करने वाले परमात्मा की सच्चे ऊंची भावना किसी मूर्ति में डालते हैं, इष्ट में डालते हैं, मूरत में डालते हैं। जैसे राम कृष्ण शिव माँ और अनेकों रूप हैं परमात्मा के जो भक्तगण मानते और जानते हैं, ये डिसाइड कीजिए। अपने आप करना है। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो भी आप ही डिसाइड कीजिए कि परमात्मा का कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी आत्मा को। उसके बाद क्या करना है कि ये डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अपना भगवान, अपना इष्ट, अपना ईश्वर, ये भी आपको डिसाइड करना है कि परमात्मा का वो कौन सा स्वरूप ऐसा है जो आपको आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, आप डिसाइड कीजिए। बहुत से भाई लोग राम को मानते हैं, बहुत से भाई शिव को मानते हैं, बहुत से बहनें देवियों को मानती हैं, आप डिसाइड कीजिए। एक बार डिसाइड कर लीजिए इस चीज को कि वो कौन सा परमात्मा का स्वरूप है जो हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वो कौन सा नाम ऐसा है उनका, शिव मंत्र ओम नमो शिवाय, वो भी आप डिसाइड कीजिए अपने आप कि कौन सा ऐसा मंत्र है जो बड़े आराम से लिया जा सकता हो साकार रूप। दो चीजें साकार रूप के पुजारी को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आज राम की पूजा करेंगे, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तरसों देवी की, तो ध्यान नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। पूजा का जो असली मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। पूजा का असली फायदा अगर आपको उठाना है तो अपना चित्त मन एकाग्र कीजिए, एकाग्र। उसके अंदर कोई भी विचार नहीं आने चाहिए जितने समय आप पूजा करते हैं। मन आपके इष्ट में डूबा होना चाहिए। तो ये दो बातें निश्चित कीजिए, ये जब तक नहीं होगा, जब तक एक इष्ट की पूजा नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हमारे यहां 84 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें से एक को चुन लीजिए, एक। दूसरे वही जो निराकार रूप के उपासक हैं वो एक नाम चुन लें, नाम एक। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, और अगर शिव के उपासक हैं तो ये ख्याल कीजिए कि हमारा इष्ट, हमारा भगवान, हमारा परमात्मा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है,
हमारे सामने हमारा भगवान बैठा हुआ है, अपने सामने उनकी पवित्र मूरत को बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, बनाए। जो राम के उपासक हैं वो राम की मूरत बनाए, जो कृष्ण के उपासक हैं वो कृष्ण की मूरत अपने सामने बनाए। शुरू शुरू में नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। आप बनाने की कोशिश करेंगे, बन ही नहीं सकते। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मूरत आपको सबसे ज़्यादा भगवान की अच्छी लगती है वो ले आइए, अपने पूजा के स्थान पर उसको लगा दीजिए। पहले उस मूरत को देखिए, उसके बाद अपने सामने ख्याल में बनाइए, ख्याल से। जैसे एक पेंटर है, अगर उसको ये कहा जाए कि भगवान शिव की मूरत बना दें, तो ख्याल से वो मूरत अपने सामने बना लेगा कि मुझे कैसी तस्वीर अच्छी लगती है, और उसके बाद जहां कहेंगे उस मूरत को उतार देगा। तो इसी तरीके से आप अपने इष्ट की मूरत अपने सामने बनाएं, और जब आपका मन आपकी मूरत से हट जाए फिर अपने मन को पकड़िए, उसी मूरत पर लगाएं, फिर हटेगा, फिर पकड़िए, उसी मूरत पर लगाएं। बार बार मन हटेगा, उसको पकड़िए, उसी मूरत पर लगाएं। ये अभ्यास, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इष्ट की मूरत आपने आपके सामने होगी, और दिल की हर धड़कन से जो आपका मंत्र है वह निकलता सुनाई देगा, और आप बड़े प्यार से ध्यान में बैठे होंगे, बड़े प्यार से। सामने इष्ट की मूरत होगी और दिल की हर धड़कन पर आपके इष्ट का जाप होगा, मंत्र का, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जो निराकार भगवान के उपासक है वो दिल की हर धड़कन पर जो आपका नाम है ये सुनिए, ख्याल से कि हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब वो नाम हट जाए फिर उस नाम को पकड़िए, दोबारा अपने इष्ट की याद में लगाइए, उसके बाद दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट के विचारों में लगिए। ये है तरीका ध्यान करने का जो मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे। तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे श्रवना, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे नख शिख सकल शरीरा, तुम ही मेरे नख शिख सकल शरीरा, तुम ही मेरे जियरे जू जल नीरा, तुम ही मेरे जियरे जू जल नीरा,
तुम ही मेरे मन हो, तुम ही मेरे सांसा, तुम ही मेरे मन हो, तुम ही मेरे सांसा, तुम ही मेरे सुर तई प्राण निवासा, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे आत्म कमल मझारी, तुम ही मेरे आत्म, तुम ही मेरे आत्म कमल मझारी, तुम ही मेरे मनसा, तुम ही परिवारी, तुम ही मेरे मनसा, तुम ही परिवारी, तुम बिन मेरो और कोई नाही, तुम बिन मेरो और कोई नाही, तुम ही मेरे जीवन दादू माही, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरे श्रवणा, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे रसना। Thank you.
तब आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि काम करते हुए भी उसकी याद बराबर मौजूद है। पहला अनुभव हो साथ साथ और दूसरे अनुभव होने शुरू होते हैं, क्योंकि हम काम जो करते हैं भगवान को अर्पण करके करते हैं कि हे प्रभु आप कीजिए मैं नहीं करता, और जब हो जाता है तो भगवान को अर्पण कर देते हैं कि प्रभु आपने किया मैंने नहीं किया। उसका धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि काम बड़ा मामूली सा था जो शुरू किया गया, लेकिन रिजल्ट उसका बड़ा महान बहुत ऊंचा, जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ऐसी बातें जिंदगी में बनने लगती, यू आर अमेज्ड, और फिर यह विश्वास होता है कि करने वाला तो कोई और है। आई एम ओनली ए टूल इन हिज हैंड्स, मैं एक यंत्र हूं खाली उसके हाथों, उसके हाथों, करता कोई और है। रियल डूअर इज समबडी एल्स, आई एम नॉट द रियल डूअर। ये विश्वास मजबूत होता चला जाता है, इस विश्वास में स्थिति होती चली जाती है, मैं नहीं करता कोई और करता है। यह अभ्यास झुटल खेले सब चलो महात्माओं की बात, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। करत करत अभ्यास के जर्मत हो सुजान, रसरी आवत जात के पत्थर पड़े निशान, पत्थरों पर भी निशान डाल देती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अभ्यास के ऊपर बड़ा भारी जोर दिया है। गीता में चार बातें मुख्य हैं जो नोट करने लगा है साधकों के लिए। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि जो इस सेवक में बड़ी डिटेल मिली, तीसरा अभ्यास जो चल रहा है बराबर, और अभ्यास के बाद वैराग्य। और वैराग के हम लोग गलत माने समझते, सच्चा वैरागी कौन है? इसने कपड़े छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, झोंपों में रहने लगा या पत्थर की गुफाओं में रहने लगा, पहाड़ों की गुफा में, वो शायद ना वैरागी। क्या हो सकता? सच्चा वैरागी वो है कि जिसका हृदय परमात्मा की याद में निरंतर डूबा रहता है, एक क्षण को भी डूबे, वो सच्चा वैरागी। मुझे अपना बहुत सुंदर अनुभव याद है कि जब मैं गुरु महाराज की सेवा में गया, उनकी कृपा से इस सेवक का मन बहुत सुंदर लगने लगा, जो इसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी, क्या इसका चित्त नहीं लगता प्रभु ध्यान में, चित्त नहीं लगता, बहुत कोशिश करता हूं नहीं लगता, जागता हूं रोता हूं सब कुछ करता नहीं लगता। उनकी सेवा में जाने के बाद मन बहुत सुंदर लगे, होश नहीं रहता था, इतना सुंदर मन लगता था। मन लगा हुआ है, घर में बच्चों ने शोर मचा दिया कि मेरे पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, मेरा कलम आना है, मेरी किताब आनी है। वाइफ ने कहा कि सब्जी नहीं है, अभी दूध नहीं आया है। इतना बुरा लगता था कि जिसकी हद नहीं, इतने आनंद में डूबे थे, क्या बवाल पैदा हो गया। और मन ने ये डिसाइड किया कि दो काम नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, या तो परमात्मा का ध्यान ही रह सकता है, ये दुनिया ही रह सकती है, दोनों नहीं हो पाएगा। ये विचार के इसने एक छोटा सा बिस्तर अपना तैयार किया, चार रोज की कैजुअल लीव, इस इरादे से क्या गुरु महाराज कहेंगे तो उनकी सेवा में रह जाऊंगा, ग्रस्त से छुट्टी हो जाए। जब मैं उनकी सेवा में पहुंचा बिस्तर लेकर के, मैंने उनके चरण छुए तो बड़े हंसे। उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझ जाता कि यशपाल में कुछ जान है, लेकिन तुम तो बहुत रद्दी वद्दी निकले ऐसे ही, यूज़लेस। मैं बात चौक गया कि मैं तो ये विचार करके आया हूं, घरवार बीवी बच्चे सब छोड़ के आपकी सेवा में रहूंगा, और महाराज कह रहे हैं कि यू आर यूज़लेस, बेकार आदमी, बैठो। अच्छा ये बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम बाल बच्चे गृहस्थी नौकरी वोकरी सब छोड़ दो और हमारे पास आकर रहने लगो। जब हमारे पास हो तो हम क्या कहेंगे, किस लिए नौकरी छोड़िए, किस लिए बच्चे छोड़े हैं, कि परमात्मा की याद में, इसीलिए नहीं ना। तो वो पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाके बैठ जाओ, तो ध्यान बराबर लगा रहे, जरा मन ना हटा इधर उधर,
तो काम तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, मन लगा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और बेटा अगर उस पीपल के पेड़ पर कोयल आके कूकने लगी तो क्या गारंटी है कि तुम उस कोयल की कूक को ना सुनने लगोगे? है कोई गारंटी तुम्हारे पास? नहीं कर सकते। मन तो ऐसी चीज है, क्या गारंटी कर सकते? हाँ मैं तुम्हें कहा संन्यास ले लो, गंगा के किनारे रहो और तुम गंगा स्नान करने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले और गंगा का स्नान कर रहे हैं, मन सुगंध वायु बह रही है, सुंदर सुंदर लहरें आ रही है, सूरज की प्रातः काल की बड़ी सुंदर किरणें पड़ रही, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा मन परमात्मा की याद छोड़ करके उस प्राकृतिक सौंदर्य में न लग जाएगा? है कोई गारंटी? नहीं महाराज, कोई गारंटी। बस घर में रहो, जब बच्चा रोता है तो सोचो कोयल कूक रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो। अगर घर में नहीं कर सकते तो जंगल में भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपने कहा जानती हो माया क्या चीज है? खामोश। अगर ना बीबी माया है, ना बच्चे माया है, ना धन दौलत माया है, ना इष्ट मित्र माया है, तो इसी को माया समझती है दुनिया। इसको माया समझती है भाई, पैसा है, कामनी कांचन संतान, ये पैसा रुपया ये सब माया ही है, जमीन जायदाद और कौन सी माया है? सारे नाम उन्होंने गिना दिए कि ये कोई भी माया नहीं है। माया क्या है? माया है जो भी चीज, जो वस्तु और जो भी कंडीशन आपके हृदय को परमात्मा की याद से भुला दे, वही माया है। जो भी कंडीशन, जो भी स्थिति, जो भी चीज आपके हृदय से भगवान को भुला दे, वही माया है। और अगर इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, बच्चों में है, अपने मित्रों में है और हृदय ईश्वर की याद में लगा हुआ है, बर्फ की तरह पिघल रहा है, तो तुम्हें माया नहीं। ये कितनी सुंदर माया की डेफिनेशन उन्होंने दी, व्हाट इज माया है। ऐसा सुंदर अनुभव होने लगता है कि मेंटल वर्क करते हुए प्रभु की याद गहरी बनी हुई है। साथ साथ ऐसे प्यारे अनुभव होते हैं, मामूली सा काम था, ईश्वर की याद में शुरू किया गया है कि तुम बाल बच्चे गृहस्थी नौकरी वोकरी सब छोड़ दो और हमारे पास आकर रहने लगो। जो हमारे पास हो तो हम क्या कहेंगे, किस लिए नौकरी छोड़ी है, किस लिए बच्चे छोड़े हैं? कि परमात्मा की याद बने, इसीलिए नहीं ना। तो वो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाके बैठ जाओ तो ध्यान बराबर लगा रहे, जरा मन ना हटा इधर उधर, तो काम तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, मन लगा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और बेटा अगर उस पीपल के पेड़ पर कोयल आके कूकने लगी तो क्या गारंटी है कि तुम उस कोयल की कूक को ना सुनने लगोगे? है कोई गारंटी तुम्हारे पास? नहीं कर सकते। मन तो ऐसी चीज है, क्या गारंटी कर सकते? हाँ मैं तुम्हें कहा संन्यास ले लो, गंगा के किनारे रहो और तुम गंगा स्नान करने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले और गंगा का स्नान कर रहे हैं, मन सुगंध वायु बह रही है, सुंदर सुंदर लहरें आ रही है, सूरज की प्रातः काल की बड़ी सुंदर किरणें पड़ रही, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा मन परमात्मा की याद छोड़ करके उस प्राकृतिक सौंदर्य में न लग जाएगा? है कोई गारंटी? नहीं महाराज, कोई गारंटी। बस घर में रहो, जब बच्चा रोता है तो सोचो कोयल कूक रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो। अगर घर में नहीं कर सकते तो जंगल में भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपने कहा जानती हो माया क्या चीज है? खामोश। अगर ना बीबी माया है, ना बच्चे माया है, ना धन दौलत माया है, ना इष्ट मित्र माया है,
तो इसी को माया समझते हैं, दुनिया से तो माया समझती है, भाई पैसा है, कामनी कांचन संतान, ये पैसा रुपया ये सब माया ही है, जमीन जायदाद और कौन सी माया है, सारे नाम उन्होंने गिना दिए कि ये कोई भी माया नहीं है। माया क्या है? माया है जो भी चीज, जो वस्तु और जो भी कंडीशन आपके हृदय को परमात्मा की याद से भुला दे, वही माया है। जो भी कंडीशन, जो भी स्थिति, जो भी चीज आपके हृदय से भगवान को भुला दे, वही माया है। और अगर इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, बच्चों में है, अपने मित्रों में है, और हृदय ईश्वर की याद में लगा हुआ है, बर्फ की तरह पिघल रहा है, तो तुम्हें माया नहीं। ये कितनी सुंदर माया की डेफिनेशन उन्होंने दी, व्हाट इज माया है। ऐसा सुंदर अनुभव होने लगता है कि मेंटल वर्क करते हुए प्रभु की याद गहरी बनी हुई है। साथ साथ ऐसे प्यारे अनुभव होते हैं, मामूली सा काम था, ईश्वर की याद में शुरू किया गया है, बाद में परमात्मा को अर्पण कर दिया गया है, उसका नतीजा आदमी ही बहुत चक्कर आ जाता है, कैसे हो गया, क्या हो गया, आंखें फट कर आ जाती है, इतना अचंबा ताज्जुब वर्ष को होता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सिवा गैरी ताकत के, सिवा परमात्मा के नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। इतना प्यारे अनुभव खुलते हैं इस अभ्यास के बाद। और जब मेंटल वर्क करते हुए भी ध्यान लगा हुआ है प्रभु में, परमात्मा के चरणों में, तो एक बात आपकी पूरी हो गई, 24 घंटे निरंतर प्रभु की याद है, चलते फिरते खाते पीते संसार का हर व्यवहार करते आपको ईश्वर की याद मौजूद है, परमात्मा के कभी एक सेकंड को भी उसे नहीं भुला पाते, न भूल सकते। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, पढ़े नहीं, लेकिन बहुत बड़े अनुभवी संत थे, और अपने अनुभव जैसे होते वैसे ही के वैसे उनकी वाणी से निकल जाते, दूसरे लोग लिख लेते हैं, याद कर लेते। कबीर साहब ने इस अवस्था का बहुत सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही बढ़िया चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जा दिन से जागी, निश दिन अधिक चली, संतो सहज समाधि बली। ये सहज समाधि कहलाती है, इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई कष्ट नहीं उठाने पड़ते, धीरे धीरे बड़े आराम से बड़े आनंद से ये अवस्था प्राप्त होती चली जाती है, और चित्त की एकाग्रता सद्गुरु से प्राप्त होती है। भाई कोई वली पैदा हो बात अलग है, मैं ये नहीं कहता तो कोई वली है, पैदाश से ही वली है तो उसकी बात अलग है, अन्यथा चित्त की एकाग्रता बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं होती, उसी कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि गुरु कृपा जा दिन से जागी, गुरु कृपा से जिस दिन से मेरे अंदर पावर ऑफ कंसंट्रेशन आ गई, मैं चाहूं तो चित्त को एकाग्र कर सकूं, ऐसी शक्ति जब से मुझे आई गुरु कृपा से, तो निशुद्ध अधिक चली, नित बढ़ती रहती है, घटा नहीं होता। जैसे जैसे खाली समय मैं परमात्मा को देता चला जाता हूं, वैसे वैसे इस गहरी अवस्था बढ़ती, ध्यान की गहरी अवस्था बनती चली जाती, सुतई बनती चली जाती है। जब खाली हूं, काम मेरे पास नहीं है, जिह्वा की नोक तालियों से लगाई और ध्यान में चला गया है, काम आ गया, याद छोड़ दी, काम में लग गया,
सब धीरे धीरे अभ्यास करते 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 और इसकी जो गहराई है बढ़ती, ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाती है। गुरु कृपा जा दिन से जागी निश दिन अधिक चली, जहां जहां ढोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोवूं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा।
बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे।